छोटा से शुरू करते हैं, आप सेंटर में बैठी हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पर्दे पर, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमृता सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अगाज एंटरटेनमेंट फॉर द सक्सेस एंड फॉर द वंडरफुल म्यूजिक वीडियोज दे हैव कम अप विथ. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ, मेरा ये पहला म्यूजिक वीडियो है बट माई एक्सपीरियंस विद देम वॉज अमेजिंग बिकॉज आई थिंक अजय जी इज़ समवन हु इज़ लाइक अ फैमिली टू मी. तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. काफ़ी क्रिएटिव है टीम, काफ़ी हार्डवर्किंग है और बहुत कंफर्टेबल लगा इनके साथ काम करते हुए. इवन द सॉन्ग इफ़ यू सी इट्स कम अप सो ब्यूटिफुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो विद देम एंड आई वुड लव टू डू मोर वीडियोज़ विद देम फर्दर. एंड कंग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ लक एंड सक्सेस फॉर अगाज एंटरटेनमेंट एंड विश देम लॉट ऑफ लक. एक्सपीरियंस उन दिनों की जो मेमोरीज है वो आई कैन राइट नाउ मेरे आंखों के सामने से गुजर रही है. सॉरी लाउडर. ओके सो उस दिन की जो मेमोरीज है मेरी, जब मैं इनसे पहली बार मिला था, पहले वेलकम टू द कोस्टा फर्स्ट टाइम मैं मिला था, हम मिले एंड वी डोंट नो ईच अदर पहले से. सो बट द वे वी वे शूटिंग यू, आप देखो काफ़ी सेंशुअल है सीन्स एंड काफ़ी केमिस्ट्री है जो दिख रही है. सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक, अगर वो गिव एंड टेक नहीं होता तो वो हो नहीं पाता. शी वॉज़ वेरी गुड ऑन दैट पार्ट एंड हम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जितना भी इम्प्रोवाइज कर रहे थे जो कर रहे थे. Even I felt so, yeah, I felt so comfortable with him. ऐसा लगा ही नहीं. We were, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने उसमें खुद अपने हिस्से डाली है और वो पर्दे पे बहुत अच्छे से आई है. So we are very happy and he was extremely professional. So मुझे ये बहुत अच्छा लगा. गाना बहुत अच्छा था अपने आप में. म्यूज़िक जिन शैलेंद्र जी ने दिया है बहुत अच्छा लगा मुझे. और नीरज जी सेट पर हमेशा तैनात खड़े हैं जो भी चाहिए. सिर्फ ही डिड नॉट हैव द केप बट ही वाज एक्चुअली अ सुपरमैन, जिसको जो चाहिए ही वाज. बहुत धूप थी और बाइक के शॉट्स होते हैं तो रीटेक्स होते हैं, बहुत गाड़ियां बार बार आ रही हैं जा रही हैं, हमें एक एम्प्टी रोड का शॉट चाहिए होता था. तो वी स्टार्टेड कि अर्ली शूट शुरू करें कि हो नहीं, लेकिन पब्लिक आ रही जा रही, उनको रोकना, एक बंदा वहाँ रोका पड़ा है, वहाँ रोका पड़ा है, प्रोड्यूसर खुद आके कर रहा है. सो ऐसी चीज़ें हो रही हैं. फिर मेकअप है, ड्रेस, सबके सबका जो जो जिसका काम था सभी ने बखूबी निभाया. और ग्रेट टीम वर्क. या टीम इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे वर पर्सनली लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग. एग्जैक्टली. सो इट वाज आवर प्लेजर टू वर्क विद सच वंडरफुल टीम. अमन जो हमारा डायरेक्टर है, ही वाज वेरी फ्रेंडली विद अस. उनके साथ जब भी कोई शॉट हमें डिस्कस किया तो ही वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वो मुझे समझ रहे थे, मैं उन्हें समझ रहा था, हम तीनों समझ रहे थे, तो बहुत आसानी से हो रहा था. पब्लिक अचानक से बहुत भीड़ हो गई थी जब उनको पता लगा हाँ शूटिंग हो रही एक जगह पे. ड्यूरिंग द येलो द फर्स्ट शॉट विच वी डिड वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई थी. इट वॉज लाइक भीड़ इतनी हो गई थी कि इट वॉज नॉट अंडर कंट्रोल, दैट वी हैड टू कॉल पुलिस एंड वी हैड टू यू नो रिमूव देम ऑल आउट. सो एवरीथिंग वॉज टेकन केयर इन अ वेरी नाइस वे. बहुत ही स्पैन ऑफ अ टाइम वी जस्ट गॉट की फटफट शॉट निकाल के करना है, कवर करना है. हमारा DOP बहुत अच्छा था तो DOP ने तो बहुत काम आसान कर दिया था एंड ही वॉज वेरी क्विक. उसके लिए कभी रीटेक्स बहुत रेयरली हो रहे थे. ही वॉज वेरी फास्ट. और मेरा बाइक बहुत सेक्सी था, अगर आपने देखा है. हाँ, बहुत ही सेक्सी हार्ले डेविडसन की बाइक थी. पंकज जी की बाइक है वो, मेरी तो खैर है नहीं, लेकिन मैं उनसे लेके चलाता रहूँगा. पंकज जी अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा. तो उनकी बाइक है वो, आई थिंक वो नीरज जी के पार्टनर हैं. वो बाइक चला के लाए बहुत दूर से ख़ास तौर से इस फिल्म के शूट के लिए और वो हमने यूज़ किया. तो थैंक यू पंकज जी और पूरे टीम को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप ये गाना बहुत बड़ा हिट हो, आगाज़ म्यूज़िक को बहुत बहुत शुभेच्छाएँ, मेरी कामयाबी मिले और नीरज जी को बर्थडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका आगाज़ म्यूज़िक वर्ल्ड और आपका बर्थडे सब अच्छा सेलिब्रेट होगा आज और सब बहुत आगे बढ़ेगा मस्त. और ये गाना जो इन्होंने गाया है नाउ लास्ट एंड ऑफ द लीस्ट, वंडरफुल. हमने अभी सुना कि उनके गले की पावर, उनका रेंज क्या है. वो माइक है, वो आप माइक में गा रहे थे लेकिन मैं आपके बाजू में था और मुझे लग नहीं था कि माइक की कोई ज़रूरत है. और इट वॉज जस्ट अ प्लेन माइक, उसमें इन्होंने खाली गले में गाया प्रॉपरली, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं. इट वॉज वेरी नाइस और आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया है. थैंक यू सो मच. आई थिंक आई एम वेरी लकी, वी आर वेरी लकी कि ये गाना हमें मिला. थैंक यू सो मच. आई तो मेट हिम पर्सनली टुडे
सो आई जस्ट हर्ड हिज वॉइस. अमित से ही जान लेते हैं कि अमित जब ये गाना आपके पास आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसे इसमें. और हम ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि जब हम गाना देख रहे थे तो लोगों की आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई गाना सुनते, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात इसमें इतनी थी कि जब ये गाना शूट हो चुका था तो अजय भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, तो उन्होंने बोला कि ये अमित भाई गाना है और ये गाना है, तो मैंने गाना सुना. और शैलेंद्र जी भी बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो कहते ना कि दोस्ती दोस्ती वाला चक्कर हुआ. और मैं लोखंडवाला में था और नीरज जी और सौरभ भाई वहाँ पे थे, तो हम लोगों की मुलाकात होती, तो सौरभ भाई से मिल के बहुत मज़ा आया, जैसे अभी आ रहा है. इनकी हमेशा जो मुस्कान है ना, देख के मज़ा आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर है. थैंक यू सो मच. तो वो जब मिला मैं, तो मुझे अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा. और इसके बाद बस स्टूडियो गया, मैंने गाना गा दिया, बस इतनी सी कहानी. अब जस्ट अब गाना रिलीज़ हुआ है, अब देखते हैं. आप बताएं आप लोगों को गाना कैसा लगा? जहां भी मैं जाता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं जहां भी लोग जाएं ये गाना सुन बजता रहे, वो सुनता रहे, सुनते रहें और सबको बहुत आनंद आए. और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब रोमांटिक गाने की बात आती है, जी जी, तो पार्ट टब उसमें आ जाता है, जी कैसे हो जकूजी? यस, जकूजी बाथ टब. यस, उसका क्या मतलब, सवाल में समझा? हाँ, वही कि कैसे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कैसे बाथ टब. जी देखो, मुझे तो पता थीम था उसका, मतलब हमने पहली बार जब बाथटब या जकूजी देखा तो मेरे माइंड में फर्स्ट यही आया कि ठंडा पानी होगा या गर्म पानी होगा, प्लीज वो बता दीजिए. क्योंकि वो अगर ठंडे पानी में होगा, एसी ऑन है और जैसे कैसे, तो पहला मेरा टेंशन ये था कि ठंडा होगा गर्म होगा, वहाँ से स्टार्ट हुआ. बट बाद में ग्रेजुअली जब हम लोग पानी के अंदर गए दोनों, तो वो पानी अपने आप वार्म होते गया और अपने आप वो फॉर ऑब्वियस रीजंस क्यों गर्म होते गया पानी उबलने लगा लेवल पे हुआ, फिर बाद में उबलने लगा. एक्चुअली पहले ये गई थी, इनका पहले शॉट था और तो मैं धूप गर्मी से बाइक चला के आ रहा था, तो थोड़ा गर्म हुआ, पानी ठंडा था, लेकिन जब ये मैं जब बाद में आया तो ऑलरेडी गर्म हो चुका था, क्योंकि जैसे अमृता वहाँ रह चुकी थी, तो मुझे तो पानी बहुत मिला. जब ये आए अंदर तो एकदम ही उबलने लगा पानी में, मतलब नेचुरल रोमांस निकल के आता है, ऐसा मानते हैं. देखिए मैं बता रहा हूँ, हम पहले जानते ही नहीं थे कि ये वाला शॉट होने वाला है. मेरा शॉट हुआ दूसरा, मैंने देखा वो मैडम जा रही है वहाँ पे, मैंने कहा क्या हो रहा है, मेरे को देखा बाथटब में, अच्छी अच्छी बात है. मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, मेरे को तो वैसे भी जाने का बहुत मन कर रहा था. He was very happy to go in the bathtub. I was worried. I was like, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, सो मैं हाथ पूछ के जैसे, मैं कहूँ अच्छा है, I'll feel better. And I felt even better with you, Amruta. Yes. Thank you so much. He really enjoyed, and even I enjoyed with him. Thank you. But bathtub में shoot करना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, because उसमें क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर movement करना, पानी के अंदर you know एक angle में जगह इतनी सी है और तुमको बहुत कुछ करना है उसमें, तो it looks easy but it is not easy. But फिर भी हमारे साथ इतने talented artist है, तो मुझे जरा भी मुश्किल नहीं लगा. इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू यू नो गेट अलोंग एंड गेट द बेस्ट शॉट आउट. बहुत पूरा शूट हमने बहुत एंजॉय. यस, जरूर. जहाँ भी मैं जाता हूँ तुझे ही बस पाता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ तुझे ही बस पाता हूँ, तेरे जिस्म की खुशबू में मैं खो जाता हूँ, तेरे जिस्म की खुशबू में मैं खो जाता हूँ. और ये गाना मेरा रिलीज हो रहा है आगाज म्यूजिक चैनल से, तो इस गाने को जरूर आप देखिए और इसे प्यार दें. मेरे रोमांटिक ट्रैक्स बहुत कमी है. जुगनी जो साहेब बीबी और गैंगस्टर था वो भी सूफी था, देन माही वे नेहा कक्कर के साथ वो भी सैड रोमांटिक था लेकिन उनका ज़्यादा पार्ट था, देन राधे राधे एक अलग जोन का गाना, और जो कल गाना आ रहा है सूरज पंचोली के लिए
सैटेलाइट शंकर का, वो टाइटल ट्रैक है, वो अलग जॉनर का गाना है, तो पता नहीं मैं मतलब ये वाला जॉनर अपने और ये जॉनर पे जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जॉनर है और उसमें बहुत कम ही गाने में मेरे रिलीज तो हो पाए हैं। ये जॉनर उनका जॉनर है और इसी में ये पहला हो रहा है, तो ऑल द मोस्ट वी नीड ऑल द लव फ्रॉम यू। ये आप गाना जरूर सुनिए। यस, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं पूरे टीम में, और ऑफकोर्स ये काम जो आपने अभी देखा ही होगा, इट्स समथिंग, आउटडोर शूट्स आर नॉट वेरी इजी, तो बहुत मेहनत है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू बी, आप सबका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, और आप सब सपोर्ट करेंगे, इट विल बी वेरी थैंक विल बी थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स एवरीवन। मैं इनसे कुछ अलग नहीं बोलना चाहूँगा, इज ऑल द सेम, और क्योंकि मुझे अब पता लगा, जैसे मेरा ये पहला म्यूज़िक वीडियो है इनका है, इनका भी पहला ही है और इनका जॉनर का पहला गाना है, तो हम न्यू कमर्स है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मैंने फिल्में अलग बहुत करी हैं, अलग अलग एड्स किए हैं, बट म्यूज़िक वीडियो मेरा पहली बार मैं कर रहा हूँ। हमारा कंपनी, म्यूज़िक कंपनी, वो फर्स्ट टाइमर है, तो आप ऑल द रीजंस यू हैव कि आप हमें और ज़्यादा प्यार दें, आप हमें हिट कराएँ ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम आगे और बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे अमृता।